नमस्ते इंडिया। आजकल हम कुछ भी सोचे समझे कुछ भी खाने लग जाते हैं। ऐसे में ही एक है वनस्पति तेल। हाइड्रोजेनिक वनस्पति तेल बहुत ही ख़राब चीज़ में से एक है। देखिए, दरअसल इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि आपके दिल को नुकसान करता है। दरअसल इसके अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड पाया जाता है जो कि किसी मीट आइटम से भी ज़्यादा है, यानी कि मांस में पाया जाने वाला फैटी एसिड भी उससे कम होता है। दरअसल वनस्पति तेल में इसके अंदर 60% से भी ज़्यादा फैटी एसिड पाया जाता है जो कि आपके दिल को नुकसान करता है। अगर हम किसी डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, कोई फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, तो इसके अंदर भी 2 से 5% ही फैटी एसिड पाया जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को फैटी एसिड की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वनस्पति तेल में पाए जाने वाला फैटी एसिड इतना ज़्यादा होता है और ये सैचुरेटेड फैट होता है जो कि बॉडी को कई तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। ये ना सिर्फ आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आपकी बॉडी में डायबिटीज़ के ख़तरे को भी बढ़ा सकता है और आपको कई और ज़्यादा बीमारियों का ख़तरा भी वो बढ़ा सकता है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह बेहतरीन वीडियो मेरे चैनल से मिलती रहेगी। देखिए, इसका सबसे बड़ा ख़तरा तो ये होता है कि ये आपका वज़न बढ़ा सकता है। अभी जाहिर सी बात है कि जब आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें खाओगे तो आपका वज़न जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि आपके बॉडी में फैट जमा होता जाएगा, जिसके चलते आपका वज़न तेज़ी से बढ़ सकता है। वैसे भी वनस्पति तेल में अगर आप खाना पकाते हो, या तो फिर वनस्पति तेल वाला कोई भी चीज़ खाते हो, या तो फिर ऐसी चीज़ खाते हो जिसमें फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो आपका वज़न तेज़ी से बढ़ सकता है, जिसके चलते आपको आगे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अगर आप ऐसी चीज़ खाते हो जिसमें ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो, तो वो आपके सीधा दिल को असर करती है। दरअसल ये आपकी बॉडी में जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को एकदम ही घटा देता है, जिसके चलते आपके दिल को सीधा नुकसान हो सकता है और ये आपका सीधा हार्ट को अटैक करता है। इसलिए ट्रांस फैट वाली चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। दरअसल एक रिसर्च में भी ये पता किया गया है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड वाली चीज़ें खाते हो तो इससे आपके दिल को नुकसान हो सकता है। दरअसल इंडिया में पाए जाने वाला वनस्पति तेल में, या तो फिर वनस्पति घी के अंदर 40 से 50% जितना ट्रांस फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है और अच्छी कोलेस्ट्रॉल वाली मात्रा को घटा देता है, जिसके चलते ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल ऐसी चीज़ें जो होती है जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो, हालांकि वो आपको कम नुकसान करते हैं, जैसे कि नारियल तेल हो गया। नारियल तेल आपके सीबम लिपिड पर नुकसान नहीं पहुंचाता है, मगर जो वनस्पति तेल है उसके अंदर पाया जाने वाला ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो आपके सीबम लिपिड में सीधा नुकसान करता है, जो कि आपके दिल को अटैक कर सकता है, जिसमें बहुत सारी महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर का एक प्रमुख कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड वाली चीज़ें, जैसे कि वनस्पति तेल है, उससे आपको बचकर रहना चाहिए। क्या आप जानते हो कि ये सिर्फ आपको ही नहीं, ये प्रेग्नेंट लेडी में जो उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दरअसल वनस्पति तेल के अंदर बनाया हुआ खाना, या तो फिर कोई भी चीज़, फूड आइटम जो है, वो गर्भ में पल रहे बच्चे की आँख की रोशनी को सीधा नुकसान कर सकता है। देखिए, दरअसल बॉडी में पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि बेबीज़ को, यानी कि जो पेट में पल रहे बच्चे की आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है और इसकी देखरेख रखता है। जब आप वनस्पति तेल वाला, जब कोई प्रेगनेंसी में वनस्पति तेल वाली चीज़ें खाती है, तो वो क्या करता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट को रोकने का काम करता है। ये जो सैचुरेटेड फैट है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट को रोकने का काम करता है,
जिसके चलते बेबीज़ को अंदर पेट में बेबीज़ को पॉली अनसेचुरेटेड फैट नहीं मिल पाता है, जिसके चलते उसकी आँखों की रोशनी की वृद्धि बंद हो जाती है, जिसके चलते बच्चे को आँखों से जुड़ी हुई दिक्कतें आ सकती है, उसकी रोशनी में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी वनस्पति तेल की आइटम नहीं खानी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैटी एसिड चला जाता है तो ये सीधा इंसुलिन को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि इंसुलिन को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। हाँ, मगर आप बहुत ही कम मात्रा में ये फैटी एसिड लेते हो तो भी आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का खतरा आपको बढ़ सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल में लेना, इसको एक बैलेंस में लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो अनहेल्दी ट्रांस फैट है वो आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जब आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट खाते हो, अनहेल्दी ट्रांस फैट खाते हो, तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो ट्रांस फैट जमा होता जाता है, जिसके चलते आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उसके काम में बाधा डालता है, जिसके चलते आपको मनोभ्रम हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एन्जाइटीज़ हो सकती है, और आपका सिर दर्द भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपको माइग्रेन का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए आप ट्रांस फैट वाली चीज़ें कम खाकर ये सारी दिक्कतों से आप बच सकते हो। हालांकि बहुत ही कम मात्रा में, जिसको खपत भी बोला जा सकता है, यानी कि ना के बराबर अगर आप ट्रांस फैट खाते हो, इसके चलते भी आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपको स्किन में कई तरह की एलर्जीज हो सकती है, जो कि छोटे बच्चों में, जो कि 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये एलर्जीज इस फैट की खपत के चलते हो सकती है, और आपकी बॉडी में कॉलन कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। जो कि 65 ईयर से बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग है, उनमें ये कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है अगर वो ट्रांस फैट खपत में लेते हो तो, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ना के बराबर लेते हो तो उनको कॉलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग वनस्पति तेल में खाना पकाते हैं, वनस्पति तेल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, और मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से मिलती रहेगी।